इतनी दूर क्यों खड़े हो तुम? चलो मैं ही पास आ जाती हूँ। मेरी आंखों में देखो, सब भूल जाओगे। उसे भी ये सब नहीं करना है। 5 मिनट में प्रिया यहाँ से चली जाएगी और मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। क्या मैंने क्या किया है? I'm really sorry, अंगी। Sorry, तुम्हारा नाम पूजा। पूजा जिंदगी में कभी ना मुझे इस इंसान से प्यार मत करना, क्योंकि फिर दुख मिलेगा। प्यार उस इंसान से करना जिसमें काबिलियत हो कि वो वापस तुमसे प्यार कर सके, मेरे इस इंसान से नहीं। I'm sorry। इसका मतलब है कि तुम नाटक कर रहे थे उस प्रीति के लिए? प्रिया, और इससे ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन देना मैं जरूरी नहीं समझता। सो तुम्हें तो छोड़ देगा वो, प्रिया चली गई होगी। सो कैन लीव नाउ। सॉरी। थैंक गॉड बेहोश हो रही है। इसने इसने मिस्टर कपूर को उस लड़की के साथ नहीं देखा, वरना मैं क्या कहती इससे? क्या सफाई देती कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। आज मुझे आपको आपके डैड से मिलाना था, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। क्या किया आपने मिस्टर कपूर, क्या किया आपने? एक पल सपने दिखाए और अगले पल खुद ही तोड़ दिए। क्यों क्यों? मैं अभी आपसे अपने दिल का हाल कहने वाली थी कि कैसे 5 साल आपका दिल दुखाने के लिए मैंने हर दिन खुद को कोसा है। आपके प्यार को नफरत में बदल के पल पल मैंने खुद से नफरत की है। ये सब बताने वाली थी मैं आपको, मैं आपकी बेटी से मिलाने वाली थी, आपकी बेटी से। मिस्टर कपूर, मैं सब कुछ ठीक करना चाहती थी। मैं सब ठीक करना चाहता था प्रिया। I loved you so much कि तुमसे नफरत करने का नाटक तक नहीं कर पाया। पीहू को अपना नाम देना चाहता था क्योंकि वो तुमसे जुड़ी हुई है। नहीं जानता था कि वो जितना तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। तुम्हारे दिए हुए धोखे को भुलाकर, तुम्हारी वजह से जो दर्द मेरी फैमिली ने सहा वो भुलाने को तैयार था, उनसे लड़ने को तैयार तक हो गया था तुम्हारे लिए। पर तुमने तो मुझे ही बेवकूफ बना दिया। क्यों प्रिया, मैंने ऐसा क्या गलत किया तुम्हारे साथ कि तुमने मुझे दूसरी बार धोखा दिया? दूसरी बार प्यार करती थी ना तुम मुझसे, तो प्यार में झूठ कहां से आ गया? शायद प्यार ही झूठा था, क्योंकि सच्चे प्यार में लोग धोखा नहीं देते। जब तुमने मेरी हेल्प करने के लिए हाँ की तो मुझे लगा तुम्हें मेरी परवाह है, पर वो मेरा भ्रम था जो आज टूट गया। तुमने मेरा विश्वास खत्म कर दिया प्रिया। इस रिश्ते को बचाने की मेरी जो आखिरी उम्मीद थी, उस तक को ना उम्मीद कर दिया तुमने। क्यों नहीं बताया मुझे सच? क्यों छुपाया मुझसे सच? सच ही बताने जा रही थी आपको मैं मिस्टर कपूर। अपनी गलती मानने जा रही थी मैं कि मुझे आपसे आपकी बेटी को दूर नहीं करना चाहिए था। कोई हक नहीं था मुझे आपसे पीहू का प्यार छीनने का, आपको अकेले छोड़ने का, आपका दिल तोड़ने का। पर मैंने ये सब किया, जिसकी माफी मांग के मैं फिर से आपकी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही आप बदल गए। वो सब बदल गए जिसे जिसे मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो पीहू क्या समझेगी? शर्मा चाहिए तुम्हें यार। मेरी मॉम ने ना अपनी बेटी को खोया है, मेरी बेटी, उनसे उनकी बेटी छीन ली है तुमने। और उन्होंने क्या किया पता है? जब उन्हें पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, अपने दर्द को पीछे रखे उन्होंने हमारी खुशी के बारे में सोचा, मुझे जेल भेजा तुम्हें वापस लाने के लिए, और तुम कह रही हो कि मेरी मॉम तुम्हें धमका रही है। बोलो क्या कहा है? नहीं बताओ क्या कहा है? धमका रही है ना, बताओ मुझे। प्रिया, आज तुझे इन तीनों को जीतने नहीं देना है। मिस्टर कपूर को सच बताना ही होगा, पूरा सच। ठीक है, मैं आपको पूरा सच बताऊंगी, हर एक बात बताऊंगी। 5 साल पहले क्या हुआ था वो सब बताऊंगी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। नहीं नहीं, मैं प्रिया को राम को पूरा सच नहीं बताने दे सकती। मिस्टर कपूर, बस बस, बहुत हो गया, बहुत
तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली। इतने सालों से मैं डिप्रेशन एंग्जाइटी से लड़ रही हूँ। मेरे बेटे को पल पल मरता देख मैं मर रही हूँ। नहीं, अब मैं मेरे बेटे को तुम्हारे बहकावे में आने नहीं दूंगी। खुश रहने का हक है इसे प्रिया, है। और वो हक मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे राम को दी हुई कसम ही क्यों ना तोड़नी पड़े। वेदिका जाओ जाओ और पीहू को नीचे लेकर आओ। रुको, क्यों? उसे मुझे बताना है कि उसकी माँ असल में है कौन। नहीं, हाँ, क्योंकि तुमने ही मुझे मजबूर किया है ये करने के लिए। मैं थक गई हूँ प्रिया, I'm done with you। तुम्हारा झूठ, तुम्हारा फरेब, हर वक्त। नहीं, अब मैं और नहीं सह सकती। You know what? अगर तुम चाहती हो कि मैं पीहू को तुम्हारा सच नहीं बताऊं, तो फिर इस घर से चली जाओ बिना पीहू के। मॉम, ये क्या क्या कहा उन्होंने? मॉम, प्रिया पीहू की माँ है। एक मिनट, और तुम उसके पिता हो। हाँ, ये करना जरूरी है राम, ये करना बहुत जरूरी है, वरना ये फिर से पीहू को लेकर चली जाएगी। हम पीहू मेरी पोती है, इस घर का वंश है वो, ये लेकर चली जाएगी और कुछ नहीं कर पाएंगे हम। राम, तुमने सौतेले रिश्तों के लिए अपनी सारी जिंदगी तुमने सैक्रिफाइसेस पे सैक्रिफाइसेस किए, क्या कुछ नहीं सहाया तुमने। अगर इस माँ को एक मौका मिल रहा है अपने बेटे को उसकी बेटी से मिलवाने का, तो मैं उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। नहीं दूंगी मैं तुम्हें और पीहू को मिलवाने के लिए, अगर मुझे पीहू से उसकी माँ का सच बताना पड़े, अलग करना पड़े, तो मैं करूंगी। और इस बार तुम भी मुझे रोक नहीं पाओगे। राम, एक बार तो ये पीहू को हमसे दूर कर चुकी है, अब मैं वो रिस्क नहीं ले सकती। अगर ये दोबारा करेगी तो फिर क्या करेंगे हम? एक मिनट, आप मुझसे मेरी बेटी छीन नहीं सकती। छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रिया, जब उसे तुम्हारा सच मैं बताऊंगी, ये बताऊंगी कि तुम जेल में थी और किस लिए थी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.